नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। नैमिशारण्य ऋषि मुनियों और संतों की निवास भूमि के रूप में प्रसिद्ध यह पावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उत्तर पश्चिम की दिशा में करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि गोमती नदी के पश्चिमी किनारे पर फैले इसी इलाके में महाभारत काल के पहले से अनेक धर्म सभाओं का आयोजन किया गया तथा कई पुराणों की रचना की गई थी। आज भी यह माना जाता है कि यहाँ ब्राह्मण ऋषि श्रेष्ठ कार्यों में लगे हैं। महाभारत काल की घटना के अनुसार पितामह ब्रह्मा ने पवित्र भूमि की खोज में मंत्र संधान कर एक चक्र चलाया था जो धरती पर अनेक स्थानों से घूमता हुआ यहाँ आकर गिरा था। फिर अनेक देवताओं और संतों ने इस स्थल की यात्रा की थी। वराह पुराण में वर्णित है कि भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार करने के कारण यह नैमिषारण्य कहलाया। कर्म पुराण में उल्लेखित है कि यह स्थान शंकर को प्रिय है तथा महापातकों को भी दूर करने की सामर्थ्य रखता है। यहाँ किए गए तप दान श्राद्ध का विशिष्ट महत्व है। आधुनिक युग में निमखर या निमसर के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में अनेक मंदिर और तालाब हैं। नैमिषारण्य में कुछ दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। चक्र तीर्थ, यहाँ का मुख्य तीर्थ पवित्र सरोवर है जिसके मध्य में निरंतर जल निकलता रहता है और बाहरी भाग में तीर्थ यात्रियों के स्नान हेतु चारों ओर सीढ़ियां निर्मित है। यहाँ के स्नान से मानव की आत्मा शुद्ध हो जाती है। हनुमान मंदिर, यहाँ एक पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का भव्य मंदिर है जिसमें भगवान हनुमान की दक्षिणमुखी अत्यंत भव्य स्वयंभू मूर्ति स्थापित है। इनके कंधे पर राम लक्ष्मण भी बैठे दिखाई देते हैं। माँ ललिता देवी मंदिर, चक्र जिस स्थान पर गिरा था तो वह निरंतर घूम रहा था, अतः माँ ललिता देवी ने उसे स्थिर कर दिया और उस स्थान पर पवित्र जलकुंड निर्मित हो गया। माँ ललिता का एक छोटा प्राचीन मंदिर कुंड से दूर ही स्थित है जहाँ माँ ललिता की मूर्ति श्रद्धा से पूजी जाती है। दधीची कुंड, इस नगर में वित्ता नाम का ब्राह्मण असुर उत्पात मचाता रहता था, परंतु उसे साधारण अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता था। अतः देवताओं गणों ने विष्णु जी से सहायता मांगी तो उन्होंने कहा कि यह असुर हड्डियों के अस्त्र द्वारा ही मारा जा सकता है। अपनी हड्डियां दान करने हेतु दधीची जी तुरंत तैयार हो गए। उससे पहले उनकी प्रार्थना पर संसार के समस्त तीर्थों का जल लाकर देवताओं ने उन्हें अर्पित किया जिसमें उन्होंने स्नान किया और उसके पश्चात गाय द्वारा अपना शरीर चटवा कर हड्डियां वज्र अस्त्र बनाने में दान कर दी। तब उसी से उस असुर का संहार किया गया। जिस कुंड में दधीची जी ने स्नान किया उसे दधीची कुंड कहा जाता है और इसमें स्नान करने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। व्यास शुकदेव गद्दी, यहाँ एक मंदिर के अंदर शुकदेव जी एवं बाहर व्यास जी की गद्दी है। व्यास जी ने यहीं रहकर अनेक पवित्र ग्रंथों का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त निमसार में सुंदर वन के मध्य में अनेक आश्रम तथा मंदिर स्थापित हैं और आज भी बाहरी सभ्यता से दूर एक अति पवित्र रमणीय एवं दर्शनीय स्थान है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।